इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर बेटमा थाना क्षेत्र में देर रात कुछ बदमाशों ने एक एटीएम को निशाना बनाते हुए उसमें रखे 8 लाख रुपए को आग के हवाले कर दिया। चोरी की नीयत से एटीएम में घुसे बदमाश एटीएम को गैस कटर से काट रहे थे, तभी मशीन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, तो बदमाश मौके से भागने के लिए जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरी घटना इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर बेटमा थाना क्षेत्र की जीवन ज्योति कॉलोनी की बताई जा रही है, जहाँ देर रात एक एटीएम में 3 से 4 बदमाश चोरी की नियत से घुसे थे। मशीन चल रहा है, उसमें 8 लाख रुपए जल गए हैं, 8 लाख रुपए के आसपास हैं। अभी बाकी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी पुलिस महोदय आए हुए हैं, पुलिस की इंक्वायरी जारी है, जैसे ही आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती है डेफिनेटली आपको बताएंगे। आपका नाम और पद? दिनेश रिट्रेकर, स्टेटेड EPS। SBI के ATM में अज्ञात बदमाशों द्वारा गैस कटर से काट के चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान ATM में आग लग गई। तो हम लोगों को सूचना मिली, तत्काल पुलिस बल पहुंच गया था, आरोपी तो भाग गए और अभी हम आकलन कर रहे हैं कि इसमें कितना नुकसान हुआ है और आरोपियों की हम लोग तलाश कर रहे हैं। सर नुकसान कितना हुआ है वो आकलन कर रहे हैं, बैंक वाले हम लोगों को लिखित में बताएंगे, तब हम बता पाएंगे आपको कितना तलाश कर रहे हैं। सर कितने लोग हो सकते हैं? फुटेज में तो 2 लोग दिख रहे हैं।